यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो इस क्वेश्चन को ना। और भाई लाइक वाइक कर देते हो नहीं कर देते? वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं बोलता नहीं, मैं भूल जाता हूँ बोलना, अपनी आदत नहीं है, तो तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो। और ये बोलने की जरूरत थोड़ी ना है कि शेयर करना है, हर किसी के साथ शेयर नहीं करना। और जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिनको एक्चुअल में रैंक लानी है, अच्छे IIT या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, उनके साथ शेयर करो, उनको ही समझ में आएगा। हर किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन तो चल नहीं रहा है ना, तो हर किसी को तो समझ में नहीं आएगा ये सब जो अपन कर रहे हैं। बाकी कहेंगे ये क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, मोटिवेशन दो, ये क्या चल रहा है, टाइम टेबल बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या चल रही है फिजिक्स विजिक्स, इससे रैंक आती है क्या? हमको स्ट्रेटेजी दो। बाकी यूट्यूब वाले स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, उस पर मिलियन व्यू भी आते हैं। ए कोलिजन एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल कैप्ट इन एन एलिवेटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है ना। हाँ ठीक है, तो एक एलिवेटर है, मान लो पहले बना ही लेते हैं, एक एलिवेटर ले लो, एक टेबल रख देते हैं इस पर, है ना, ये टेबल है। वो क्या बोले, कोलिजन हो रहा है मान लो ना, दोनों कोलाइड कर रहे हैं मान लो ना। इसके लिए इंपल्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए ना, अपन ने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं तो, है ना। ठीक है, डू यू एक्सपेक्ट अ चेंज इन द रिजल्ट्स इफ द एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड अप और डाउन बिकॉज ऑफ द नॉन इनर्शियल कैरेक्टर ऑफ द फ्रेम। देखो तो मान लो एलिवेटर ऊपर या नीचे जाने से फर्क किस पे पड़ता है बताओ, है ना। तो अगर ये भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मान लो अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी नीचे आ जाती है ना, तो अगर एक्सेलरेशन इसका ऊपर हो रहा है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी नीचे आएगी, इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ेगी, नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएंगे, तो N1 और N2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा, N1 N2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। जिनको ये नहीं आता, NLM रिवाइज करो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है, ये सब बहुत डिटेल में कवर होता है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट करेगा ना। ये तुमने फील भी करा होगा, जब एलिवेटर ऊपर जाता है तुम्हें अपना वेट बढ़ा हुआ फील होता है, नॉर्मल बढ़ जाता है उस वक्त, है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, नॉर्मल बढ़ने से क्या हुआ, इनका जो अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था वो बढ़ गया यार। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू तो कॉन्स्टेंट है। अरे भाई काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल है ना यार, अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी तो बढ़ेगा, तो भाई ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ गया। पर इससे इनके कॉलिजन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो देखो अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन सिर्फ उतनी दौरान हुआ है जिस दौरान कॉलिजन हुआ है, नैनो सेकंड, मान लो एक नैनो सेकंड में कॉलिजन हुआ है, तो एक नैनो सेकंड के लिए एक्सेलरेशन हुआ है ना, अपन उसी रिजल्ट को कंसीडर कर रहे हैं ना। तो ये ऊपर जा रहा था ना, तो एक नैनो सेकंड के लिए कॉलिजन हुआ, एक नैनो सेकंड के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। हम क्या कंडीशन मान के चल रहे हैं, यहाँ पे केसेस बनेंगे ना, है ना, डाउन बिकॉज ऑफ द नोजल, आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो क्या होती है, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगना ही लगना है, ये दो इक्वेशन हर जगह लगती है, पहले तो ये लगती है ना, हाँ हाँ। और दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो भाई बात ये है कि कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि द थिंग इज, ये सारे के सारे फोर्सेज नॉन इंपल्सिव है। कॉलिजन के दौरान अगर किसी फोर्स से फर्क पड़ता है तो वो इंपल्सिव फोर्स होता है, क्योंकि कॉलिजन बहुत कम समय के लिए हो रहा है। इंपल्सिव फोर्स मतलब जो कॉलिजन के दौरान अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे जो नॉर्मल लगा रहे हैं वो नॉर्मल इंपल्सिव है भाई, ये नॉर्मल इंपल्सिव थोड़ी ना यार, इसका मैग्नीट्यूड कॉलिजन से थोड़ी ना बढ़ रहा है ना। तो ये तुम्हारे नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हैं, तो इनसे कॉलिजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम रहेगा जो रिजल्ट जैसा था, है ना। हाँ ये बात अलग है, अगर तुम पूरा पूरा सिर्फ अभी अपन ने क्या माना है कि ये पूरी सिचुएशन सिर्फ कॉलिजन के दौरान कंसीडर करिए, ड्यूरिंग द कॉलिजन, है ना, मतलब बस। अगर तुम ये मान रहे हो कि वो आराम से दूर से आ रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं और फिर जा रहे हैं, अगर इस केस को कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट बोला है पर उन्होंने केस डिफाइन नहीं करा वर्मा सर ने, तो अपन दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ कॉलिजन की बात कर रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अगर तुम बात कर रहे हो आराम आराम से आ रहे थे फिर जा रहे हैं, तो भाई हाँ फिर उस केस में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ गया, तो उनकी जब वो टकरा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कम हो गई ना। तो जिस केस में है वो एलिवेटर ऊपर जा रहा है, उस केस में नॉर्मल बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो गई ना, दोनों धीरे धीरे स्लो हो गए, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कम हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कम हो जाएगी, है ना। मान लो जब एलिवेटर रेस्ट में था तो दोनों टकरा के इतने दूर तक गए थे, मान लो दोनों ऐसे टकराए और फिर इतने दूर तक गए थे। अब इस वाले केस में क्या होगा, दोनों धीरे होंगे, टकराएंगे और इतने ही दूर तक जा पाएंगे, तो हाँ फाइनल रिजल्ट पे फर्क आएगा। तो मैंने दोनों केस क्लियर कर दिए।
अगर तुम सिर्फ कोलिजन के कॉन्सेप्ट कंसीडर करना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये जानना जरूरी है। और एक्चुअल में वही क्वेश्चन बनाना चाह रहे थे वर्मा सर, क्योंकि ये कोलिजन चैप्टर का है ना, है ना। पर तुम फ्रिक्शन वगैरह पूरा कंसीडर करना चाहते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, तो हाँ भाई ओवरऑल फर्क आएगा, ओवरऑल फर्क आएगा। पर हमारा, हमें जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो कोलिजन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है असलियत में, तो सिर्फ कोलिजन। तो अब अपन जो इस प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं, 1 नैनोसेकंड के लिए बस एक्सेलरेशन हुआ था, 1 नैनोसेकंड के लिए सिर्फ कोलिजन के दौरान, तो जो कोलिजन का रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन देयर विल बी नो डिफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा था इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को समझने का। तो जो सूडो फोर्स होता है वो नॉन इंपल्सिव होता है तुम्हारा, जस्ट लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव है, सूडो फोर्स भी नॉन इंपल्सिव है ना।